जहां ये परिणाम उन धोखेबाज नेताओं के लिए भी सबक है। आज घोसी की जनता ने यह साबित कर दिया कि ये घोसी, मऊ, पूर्वांचल, आजमगढ़ का ये इलाका समाजवादी इलाका है। घोसी उपचुनाव जहां एक तरफ सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी, वहीं दूसरी ओर ये उपचुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन भी था। लेकिन शुक्रवार के नतीजे ने बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका दे दिया। सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को हरा दिया है। जहां ये परिणाम उन धोखेबाज नेताओं के लिए भी सबक है जो जनता के बीच किसी दल से जाते हैं और उस दल की अगर सरकार नहीं बन पाती तो सरकार के लालच में पार्टियां छोड़ के दूसरे दलों में जाने की कोशिश करते हैं और सोच लेते हैं कि जनता फिर से मोहर लगा देगी। आज घोसी की जनता ने यह साबित कर दिया कि ये घोसी, मऊ, पूर्वांचल, आजमगढ़ का ये इलाका समाजवादी इलाका है। दरअसल इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की पहली लड़ाई कहा जाने वाला है घोसी उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने बाजी मार दी है। बताया जा रहा है कि कई हजार वोटों से बीजेपी के दारा सिंह को हरा दिया गया है। इसी के साथ झटका सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि उनके सहयोगी दल सुभाषपा के ओपी राजभर, अपना दल के आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद को भी लगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम ने कई दिनों तक प्रचार किया था। वहीं अपनी अपनी जाति को लुभाने के लिए ओपी राजभर, आशीष पटेल और संजय निषाद ने प्रचार किया था। बावजूद इसके बीजेपी की हार हो गई। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को ये सजा दल बदल की मिली है क्योंकि पहले दारा सिंह बीजेपी में थे, फिर 2022 में सपा में आ गए और फिर 2023 में बीजेपी में आ गए, जिसके चलते वोटरों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि घोसी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी जिसके नतीजे शुक्रवार को आए हैं। बहरहाल जो भी हो, पर इस उपचुनाव के नतीजों से भाजपा को फिलहाल कोई असर नहीं होगा, लेकिन 2024 को लेकर भाजपा के लिए ये एक बड़ा संकेत है क्योंकि नतीजे तो यही बताते हैं कि सपा कहीं न कहीं अब पहले से मजबूत हो चुकी है और इसी तरह कहीं आने वाले 2024 चुनाव में यूपी में बीजेपी को सपा कड़ी टक्कर दे सकती है।